हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं रेनबो स्क्रैप बुक, यानी कि कलरफुल स्क्रैप बुक, जिसका मैं फुल ट्यूटोरियल आपको दूंगी। कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट्स पे भी अपलोड की हुई हैं, क्योंकि अगर मैं पॉपअप कार्ड्स आपको इसमें शो करती ना, तो फ्रेंड्स एक घंटे की वीडियो हो जाती, जो कि इम्पॉसिबल था। आप लोग भी बोर हो जाते, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसका बेस रेडी करेंगे, जो कि मैंने 22x20 सेंटीमीटर लिया है, और जो बीच में मैंने लिया है सेंटर में 5 सेंटीमीटर लिया है। और हम इसमें एक अच्छा सा, आपको जो भी पैटर्न पसंद हो वो आप शीट लेके और इसको पेस्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो भी हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो उससे हम 1 सेंटीमीटर जो एज है वो बड़ा ही रखें, क्योंकि क्या होता है ना, फिर बाद में फिर एज वो दिखाई देने लगती है कार्डबोर्ड की, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हमने इसलिए थोड़ी सी बड़ी शीट ली है, ताकि हम क्या करें, साइड से कट कर लें और उसके बाद वो ईज़िली हम अंदर फोल्ड भी कर सकें। तो साइड से हम सारी चीज़ों को फोल्ड करने के लिए कट कर रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। तो साइड से सभी चीज़ों को कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पेस्ट कर लेंगे साइड से। फ्रेंड्स मैंने इसे फोल्ड करके भी देख लिया और ये फाइनली अच्छे से पेस्ट हो ही गया है। हमारा बेस लगभग रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वाले पार्ट में जो वो भी बेस ही है उसमें भी हमें लगाना है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन चूज़ कर रही हूँ पेज का। अब मैंने इसे खुद, इसके पैटर्न्स को खुद बनाया, मैंने हर्ट बना के उसके ऊपर ग्लू लगा के फिर ग्लिटर को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, तो एक अच्छा सा पैटर्न रेडी हो गया है। साथ में मैंने जो बाहर कवर में शीट यूज़ की है उसको भी मैं अंदर यूज़ करूँगी, और मैंने ब्लैक स्ट्रिप्स काट ली थी, ताकि जो डिफाइन होके आती है ना चीज़, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ब्लैक स्ट्रिप्स मैंने ली थी, वो भी आप इसमें ज़रूर लगाइएगा अगर आप यही स्क्रैप बुक बना रहे हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए। साथ में मैंने क्या करा है ना, जो मैंने बाहर वाली स्ट्रिप्स जो मैंने लगाया था कवर में, वो मैं अंदर लगा रही हूँ। तो उसमें क्या है ना कि एक एनवलप क्रिएट हो, इसीलिए मैं पूरी स्ट्रिप को पेस्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जो बाहर वाली शीट है जो मैंने रेनबो स्क्रैप बुक के लिए बनाई है, वो मैं अंदर पूरा क्या कर रही हूँ, 4 एजेस पे मैंने ग्लू अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ 3 एजेस पे मैंने ग्लू अप्लाई किया है, ताकि मैं ईज़िली कुछ भी एक छोटा सा कार्ड इंसर्ट कर सकूँ उसमें। तो आपको भी ऐसे यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद पता है क्या करना है हमें, क्या 3 पेपर की स्ट्रिप्स लेनी है, जिसको 2 सेंटीमीटर मैंने रखा है, 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर रखा है, और लेंथ तीनों की सेम है, ताकि वो सेंटर में पेस्ट हो जाए। पर उससे थोड़ा सा कम हम रखेंगे, अगर 22 है तो 21.5 रखेंगे, ताकि वो ईजिली हम क्या करें, पेस्ट कर पाएँ। साथ में क्या करना है, जो भी हमने स्ट्रिप ली है ना, उसको हमें साइड से क्या करना है, 1/2 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं कि फोल्ड करना है, ताकि जो हमने पैटर्न्स, जो शीट्स हमने रेडी की हुई है, या जो आप शीट्स अंदर लगाएंगे, वो क्या करना है, इसमें ही पेस्ट होंगी। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। जो सबसे बड़ी लेंथ, यानी कि जिसकी लेंथ ज़्यादा है, उसको हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, और जिसकी सबसे कम है उसको सबसे हम एंड में, यानी कि सबसे ऊपर लगाएंगे। तो तीनों को हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कुछ शीट्स लगानी है। ये मैंने पैटर्न्स खुद से रेडी किए थे, आप शॉर्ट्स में ज़रूर चेक करिएगा फ्रेंड्स, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने स्ट्रिप लगाई थी लास्ट वाली, उसके एक साइड पे हमें थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करना है, और उसके बाद हम एक शीट लेंगे और उसके लास्ट वाली एज से इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके जगह दूसरी शीट लेंगे और उसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे ये फर्स्ट वाली शीट से। तो पहले पूरा हम क्या करेंगे, ग्लू अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, और उसके ऊपर दूसरी शीट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली हमें क्या करना है, सभी शीट्स को ऐसे ही पेस्ट करना है,
एक एक करके, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो जल्दी से मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारी शीट्स को यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। और ईजिली हमारी ये स्क्रैप बुक का बेस पूरी तरीके से रेडी है। अब हमें सिर्फ इसे डेकोरेट करना रह गया है। तो मैंने यहाँ पे ये खुद से पेंट किया था, ये एक फ्रेंड्स के लिए स्क्रैप बुक थी, तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स ही बनाए हैं, गर्ल्स बनाई हैं दो। उसके बाद मैं फ्रंट पेज को सबसे पहले डिकोर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कर्व वाली सीज़र ली है। उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक फ़ोटो एनवलप के लिए सबसे अच्छा रहता है कि फ्रंट पे आप अगर स्क्रैप बुक बना रहे हैं तो सबसे पहले आप जिसको भी गिफ्ट कर रहे हैं उसकी क्या हो, फ़ोटो हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक ब्लैक लिया बेस, उसके लिए वाइट पे उसके ऊपर जो पेस्ट होगा वो होगा वाइट पेज पेस्ट होगा, देन उसके ऊपर एक फ़ोटो आएगी। तो यहाँ पर मैंने चारों एजेस को क्या करा है, कर्वली कट कर लिया है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको वाइट पेज को ब्लैक के ऊपर पेस्ट कर दूँगी, देन फिर हम अपने फ्रंट पेज पे से पेस्ट कर देंगे। साथ ही मैचिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटी सी रेड कलर की ड्रेस बनाई है प्रेटी लुक देने के लिए फ्रंट पेज के लिए। और साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ बलून्स भी कट किए हैं, वो भी रेड कलर के हैं। उसको मैं क्या करूँगी, ब्लैक पेपर पे पेस्ट करूँगी, देन हम क्या करेंगे इसे कट कर लेंगे साइड से। क्योंकि क्या होता है ना, जब ब्लैक पे कोई चीज़ हम पेस्ट करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखती है। तो हमने इसको इस पर पेस्ट कर दिया है, देन मैं अब इसे कट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे क्या करूँगी, फ्रंट पेज पे पेस्ट कर दूँगी। साथ ही मैंने क्या किया था, जिसके लिए ये एल्बम बन रही है उसकी एज वो भी मैटर करता है कि आप अगर लिखना चाहते हैं जैसे 20 एज है या 21 एज है, तो वो भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया था पेंट करने के बाद। और साथ ही मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ छोटे छोटे से कोड्स होते हैं ना, वो मैंने लिखे थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे कट करके पेस्ट करके और लगा दिए हैं। और साथ में मैं रिबन भी यहाँ पे लगा रही हूँ प्रेटी लुक देने के लिए फ्रेंड्स। तो बस इसी तरह हमें सारे पेजेस को रेडी करना है। मैंने सारे जो अपने छोटे छोटे से कार्ड्स ये बना के रखे थे, ये मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड कर दिए थे फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी सारी वीडियो मैं नहीं शो कर सकती थी आपको। 1 आवर की वीडियो जाती तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये कार्ड्स, पॉपअप कार्ड्स कैसे बनाए हैं मैंने। देन मैं आपको सिर्फ इसमें पेस्ट करके बता रही हूँ कि कैसे हम एक पेज को क्रिएटिव लुक में क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बस यहाँ से आप पूरा ट्यूटोरियल देखिए कि कैसे मैंने यहाँ पे रेडी की है पूरी स्क्रैप बुक। बाद में मैंने क्या किया था ना, यहाँ पे छोटे छोटे कोड्स लगा दिए थे, तो वो तो सबसे एंड का काम है। अभी सिर्फ आप जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को पेस्ट करिएगा। अगर आप स्क्रैप बुक बनाएंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसे करिएगा, क्योंकि एक पेज को अगर आप छोटे छोटे से कोड्स बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर वो बोरियत सी आने लगती है, बोरिंग से लगने लगता है। तो उसके बाद फिर लगता है कि यार सेकेंड पेज में भी इतना टाइम लगेगा। बट आप सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका यही है कि सारी चीज़ों को आप लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक हर्ट बनाया था, वो बहुत अच्छा है। इसमें छोटे छोटे से मैसेजेस आप लिख सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे पॉपअप बटरफ्लाई बनाई थी एक तरह से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे साइकिल भी लगाई है। यहाँ पे फ़ोटो एल्बम के लिए छोटा सा कार्ड बनाया था रिबन लगा के। उसके बाद मैंने यहाँ पे हर्ट वाला पॉपअप कार्ड बनाया है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये सभी वीडियोज़ आपको फ्रेंड्स मेरे प्लेलिस्ट पे शॉर्ट्स पे जाइएगा, वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, कुछ यूनिकनेस देने के लिए मैंने सोचा कि कुछ यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे हर्ट काटे हैं, उसको मैंने क्या किया है, एक ग्लिटर वाला थ्रेड था उस पर मैंने हर्ट को पेस्ट किया दोनों साइड से। और हैप्पी बर्थडे मैंने इस पर लिखा था, ताकि जब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे जब आप इसको पुल आउट करेंगे ना इस थ्रेड को, तो हैप्पी बर्थडे वाला लुक दिखाई देगा, तो बहुत प्रेटी सा लुक दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सभी हर्ट को पेस्ट किया, देन उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा। उसके बाद इस कार्ड के नीचे क्या किया मैंने, जो लास्ट वाले हर्ट थे मैंने 2 एक्स्ट्रा हर्ट लगा दिए थे वहाँ पे पेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने पेस्ट किया हर्ट को, और बाकी थ्रेड को मैंने बाहर रखा। और कार्ड को मैंने क्या किया, सिर्फ 3 एजेस से ग्लू इसमें अप्लाई किया और देन इसको पेस्ट कर दिया। क्योंकि अपर साइड से तो हम क्या करेंगे, पुल आउट करने वाले हैं हर्ट को, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि सिर्फ 3 एजेस से हमें ग्लू यहाँ पे पेस्ट करना है बस। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो हैप्पी बर्थडे लिखा था वो इसमें हम अंदर इंसर्ट कर देंगे, और बाद में इसे पुल आउट करेंगे तो बहुत प्रेटी लुक दिखाई देगा वो।
देन लास्ट पेज पे भी मैंने यहाँ पे पॉपअप कार्ड लगाया है, और फिर जैसे फ्रंट पे मैंने लगाई थी ना दो छोटी छोटी सी कार्ड्स, वैसे लास्ट में भी लगाए हैं। देन फ्रंट कवर के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट शीट का यूज़ किया है, जो कि मैंने ऑक्टागन शेप में काटा है, और रिबन मैंने खुद से बनाया है यहाँ पे फ्रेंड्स 3 कलर्स जो कि मैच हो जाएं स्क्रैप बुक शीट से, बैक के लिए और फ्रंट के लिए। तो फ्रंट में सबसे पहले हम रिबन रखेंगे, पेस्ट करेंगे, उसके ऊपर ये ऑक्टागन शीट जो मैंने काट के रखी है स्क्रैप बुक शीट से जो मैच हो रही है वो ऑक्टागन शीट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी एजेस है ना ऑक्टागन कार्ड की, उसमें क्या करना है, हमें डबल साइडेड टेप को लगाना है, हाफ मैंने सेंटीमीटर लिया था वो हम सारे एजेस पे लगा देंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है, सेंटर में जितने भी ग्लिटर्स आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट ली थी ऑक्टागन शेप में वो उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, और ये टेप दिखाई ना दे इसलिए मैंने कुछ स्ट्रिप्स काट के रखी थी ग्रीन, जो कि मैच हो रही है स्क्रैप बुक की शीट से, वो लगा देंगे और रिबन को हम बंद कर देंगे। साथ ही मैंने कुछ यहाँ पे एक ड्राइंग बना के रखी थी और एक दो कोड्स बनाए थे, वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। तो बस फाइनल लुक हमारा स्क्रैप बुक का कुछ इस तरह से रहेगा, जो कि बहुत ही प्रेटी लुक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसका पूरा ओवर लुक देख लीजिए एक बार। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो खाली स्पेस है वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कोड्स ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने कुछ स्ट्रिप्स लगाई हैं जिसमें छोटे छोटे मैसेजेस हम लिख सकते हैं, तो वो ज़रूर लगाइएगा। उससे एक तो आपका पेज पूरा कवर हो जाएगा, प्लस प्रेटी लुक भी आता है, तो ये आप ज़रूर ऐड करिएगा इसमें फ्रेंड्स। बाकी आप ओवर लुक देख लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल पसंद आई होगी स्क्रैप बुक, और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी वीडियो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे एक स्क्रैप बुक बॉक्स भी बनाया है बिल्कुल इसी के मैचिंग का, और जैसा मैंने फ्रंट में रखा है ऑक्टागन शेकिंग ग्लिटर वैसे ही मैंने फ्रंट में रखा है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।